भारत का चंद्रयान 3 अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ रहा है, जिसकी जानकारी 9 अगस्त को इसरो की ओर से दी गई। जानकारी में बताया गया कि दोपहर में इसके ऑर्बिट को बदलकर 5000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला गया। इस तरह अब चंद्रयान के 3 चरण और बाकी हैं, जिसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। मामले में इसरो का कहना है कि 9 अगस्त को उसने चांद पर मौजूद ट्रैफिक का भी अध्ययन किया। ट्रैफिक से मतलब उनका उल्का पिंडों, ग्रहों और यानों से है, जो चांद की सरफेस पर पहले से घूम रहे हैं। इनमें से कई यान क्रियाहीन हो चुके हैं। इसके अलावा रूस का लूना 25 भी धरती से चांद पर उड़ान भरने को तैयार है। बता दें, ऐसी संभावना है कि लूना 25 और चंद्रयान 3 की चांद की लैंडिंग एक दिन और एक वक्त पर हो सकती है। ऐसे में क्या कोई संभावना है कि चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 आपस में टकरा जाए? चलिए ये जानते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 जैसे जैसे तेजी से बढ़ रहा है, वैसे ही दुनिया की नज़र इस पर टिकती जा रही है। वहीं रूस का लूना 25, जिसे 11 अगस्त यानी आज लॉन्च किया जाना है, ये 7 दिनों में चांद पर उतरने का प्रयास करेगा। चांद पर लैंडिंग के पीछे रूसी स्पेस एजेंसी का मकसद ध्रुवीय ब्रह्ममंडल के प्लाज्मा और धूल घटकों का अध्ययन करना है। एजेंसी की ओर से बताया गया है कि चांद पर काफी स्पेस है, लिहाजा चंद्रयान 3 की वजह से लूना 25 को कोई खतरा नहीं है। रूसी स्पेस एजेंसी ने साफ किया है कि लूना 25 के लिए प्राथमिक लैंडिंग साइट चंद्रमा के साउथ पोल के पास है, जो साउथ वेस्ट में स्थित है। वहीं चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल साउथ एरिया है। वहीं इसके अलावा 17, 18 और 20 अगस्त चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम है। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होनी है, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को और कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100x35 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा, और अगर ऐसे में सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को 5:47 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।